हमीरपुर के ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल में दादा दादी नाना नानी का दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया और इस अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चों के अभिभावकों ने भी स्कूल कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से लेकर कलाकार शहीदों और साइंटिस्ट के रूप में स्टेज पर हिस्सा लिया। बच्चों की प्रस्तुतियों को देखकर हर कोई दंग रह गया। कार्यक्रम के दौरान एमडी पूजा ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी का आभार जताया और बच्चों की रंगारंग प्रस्तुतियों को भी खूब सराहा। हमीरपुर के अलमाइटी पब्लिक स्कूल में दादा दादी नाना नानी दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर नन्हे बच्चों के अभिभावकों ने भी स्कूल कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान नन्हे मुन्ने ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से लेकर कलाकार शहीदों और साइंटिस्ट के रूप में स्टेज पर हिस्सा लिया। बच्चों की प्रस्तुतियां देखकर हर कोई दंग रह गया। कार्यक्रम के दौरान एमडी पूजा ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी का आभार जताया। बच्चों की रंगारंग प्रस्तुतियों को भी सभी ने खूब सराहा। एमडी पूजा ने कहा कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सभी को सम्मान देना है। उन्होंने कहा कि नन्हे बच्चों के लिए अभिभावक सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं और इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन से बच्चों का भी मनोबल बढ़ता है। उन्होंने कहा कि स्कूल में बच्चों को हर संभव सुविधाओं के साथ बढ़िया शिक्षा प्रदान की जा रही है ताकि बच्चों का भविष्य उज्ज्वल बन सके। और माइटी परिवार की ओर से आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने कीमती समय से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हमारा विद्यालय दादा दादी नाना नानी दिवस मनाने जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आप सबका सम्मान करना है। आज का दिन आप सबके लिए खास बनाने के लिए नन्हे मुन्ने बच्चों ने बड़ी मेहनत की है। इनकी उम्र मात्र 2.5 साल से 5 साल तक की है, पर इनका जज्बा और जोश किसी से कम नहीं। इन बच्चों ने आपके लिए अपना प्यार अपने नृत्य के जरिए दिखाने की एक खूबसूरत सी कोशिश की है और मैं जानती हूँ कि आप भी इन बच्चों में जान बसती है। ये हंसते हैं तो आप भी मुस्कुराते हैं, ये रहते हैं तो आप भी उदास हो जाते हैं। किसी ने सच्ची कहा है कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। ये बच्चे केवल आपकी ही जान नहीं है बल्कि हमारे स्कूल की भी शान है और हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि स्कूल में इनको माँ जैसी ममता मिले और साथ ही साथ अच्छी शिक्षा और संस्कार भी मिले। स्कूल में इनकी हर सहूलियत का पूरा ध्यान रखा जाता है। इनके खेलने के लिए खास तरह के झूले लगाए गए हैं। इनकी पढ़ाई को और दिलचस्प बनाने के लिए कई तरह की टीचिंग एड्स की हेल्प दी जाती है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि पढ़ाई के साथ साथ इनको अच्छे संस्कार भी मिले। स्कूल में इन्हें बड़ों का आदर करना, जैसे कि बड़ों के पैर छूना, दो हाथ जोड़कर नमस्कार करना और एक दूसरे की मदद करना सिखाया जाता है। हम आशा करते हैं कि ये बच्चे घर में भी मोबाइल और टीवी से दूर रहे और दादा दादी और नाना नानी की कहानियां सुनकर अपना समय व्यतीत करें, क्योंकि आपकी कहानियों में इनके लिए मनोरंजन तो होगा और साथ ही साथ शिक्षा भी होगी। इसी आशा के साथ मैं अब आपसे ज्यादा कुछ न बोलते हुए अर्चना मैम को दोबारा से ये मंच पर करूंगी और अभी आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप यहाँ पर बता दें।